बाहुबली और बाहुबली 2 की शानदार सक्सेस के बाद अगर आपको ये बताया जाए कि एक बार फिर से बाहुबली की वापसी हो रही है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? दरअसल डायरेक्टर SS राजामौली ने अपने सभी बाहुबली फैंस को एक बड़ा सा सरप्राइज दे दिया है। डायरेक्टर ने अपनी अपकमिंग सीरीज बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड की अनाउंसमेंट कर दी है। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर SS राजामौली ने बीती शाम इंस्टा स्टोरी और ट्वीट के जरिए अपनी नई सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का ऐलान किया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें सीरीज को लेकर अपडेट भी आई है। दरअसल इस सीरीज की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से एनिमेटेड होने वाली है। बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड की झलक शेयर करते हुए SS राजामौली ने ये भी बताया कि जल्द ही इसका ट्रेलर भी आने वाला है। SS राजामौली ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसके बैकग्राउंड में साफ साफ बाहुबली के नारे सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए डायरेक्टर ने उसके कैप्शन में लिखा है, जब महिष्मती के लोग उनका नाम जपते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उन्हें वापस लौटने से नहीं रोक सकती। बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड एक एनिमेटेड सीरीज का ट्रेलर जल्द ही आएगा। बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड के अनाउंसमेंट के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इस कहानी को जानने के लिए भी बेकरार हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस सीरीज़ की कहानी कैसे होने वाली है। सीरीज़ के स्टार कास्ट को लेकर भी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। सोशल मीडिया यूज़र्स कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सुपर बाहुबली एक यूज़र ने तो सवाल किया कि ये क्या नेटफ्लिक्स पर आएगी, आपको इस फिल्म का कितना इंतज़ार है और आप किस अभिनेता को इसमें अभिनय करते हुए देखना चाहते हैं? प्रभास, अनुष्का शेट्टी, वही फिल्म में चाहिए, वही एक्टर्स आप लोगों को चाहिए? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म में कौन सा अभिनय चाहिए और कौन सा अभिनेता या कौन सी अभिनेत्री चाहिए इस फिल्म को फिल्माने के लिए। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।